नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। मेहर विधायक द्वारा हमारा विंध्य हमें लौटा दो, विंध्य जन जन जागरण यात्रा की जवा में हुई सभा। विंध्य प्रदेश को बनाए जाने को लेकर अभियान चला रहे मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी आज एक दिवसीय दौरे पर जवा पहुंचे और उनका स्वागत अकौरी के युवा एडवोकेट प्रिंस तिवारी एवं समाज सेवी पिंटू शुक्ला एवं क्षेत्र के युवाओं ने जोरदार स्वागत सम्मान किया और सैकड़ों बाइक की रैली के साथ राज पैलेस जवा लाया गया। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि विंध्य प्रदेश बनाए जाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए। हमारा विंध्य प्रदेश हर हालत में वापस होना चाहिए। आपने आगे कहा कि विंध्य के युवाओं का शोषण हो रहा है, विंध्य के युवाओं का हक छीन लिया गया है। विंध्य में रोजगार के इतने साधन होते हुए भी विंध्य के युवाओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। विकास के मामले में विंध्य पिछड़ गया है। प्रकाश तिवारी ने कहा कि विंध्य की लड़ाई के लिए हर युवा नारायण त्रिपाठी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और अपने हितों और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा। संपूर्ण विंध्य का शोषण अब बर्दाश्त के बाहर है। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे दिलीप पांडे, एनपी मिश्रा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता बीडी पांडे, रिटायर्ड डीएसपी ने कहा कि अंतिम सांस तक विंध्य की लड़ाई जारी रहेगी। विंध्य का विकास तभी संभव है जब पृथक विंध्य प्रदेश बनेगा। प्रमुख रूप से बीडी पांडे, रिटायर्ड डीएसपी राजकुमार द्विवेदी, विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष रीवा तरुणेंद्र द्विवेदी, प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस लालाजी मिश्रा, एडवोकेट प्रिंस तिवारी अकौरी, समाज सेवी पिंटू शुक्ला, राजकुमार पांडे, पिंटू पांडे आदि सैकड़ों की संख्या में युवा एवं बुजुर्ग उपस्थित रहे। आइए आपको ले चलते हैं नारायण त्रिपाठी मेहर विधायक के पास और जानते हैं उनका क्या कहना है। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। विलय मध्य प्रदेश में किया गया तो वो पूरा नहीं हुआ, छल कपट धोखा हुआ है। तो अब लोग चाहते हैं कि विंध्य बन जाए। ये तो अटल जी के सपने को पूरा करना है। हमारे मोदी जी, हमारे गृहमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी अटल जी के सपने को पूरा कर दें और विंध्य का पुनर्निर्माण कर दें। फीका कैसे नजर आ रहा है? बड़ी सभाएं हो नहीं सकती, बड़ी सभा में कोरोना प्रकट हो जाता है। 2 तारीख को मैं यहाँ से चला हूँ, उमरिया पहुँचा, उमरिया में गांधी जयंती पर गांधी जी की प्रतिमा में हमें माल्यार्पण करना था, तो सरकार के तरफ से आदेश आ गए, निर्देश आ गए कलेक्टर को कि तत्काल बंद करो। हमारे टेंट उखाड़ दिए गए, हमें कहीं परमिशन नहीं मिल पा रही, कोई स्वीकृत नहीं दे पा रहा। इसके बाद भी हमें उमरिया फिर सभा करना पड़ा। हम जिस जिस जगह जाते हैं हमें कहीं परमिशन नहीं मिलती, स्वीकृत नहीं मिलती। प्रशासन विरोध करता है, पूरा तंत्र विरोध करता है, सरकार 24 घंटा इस मुहिम के विरोध में लगी है। हम सीधी पहुँचे, सीधी में हमें रात को पहुँचे, रात को सब ठीक ठाक था, सुबह पता चला 144 धारा लग गई। अभी 144 धारा कोई नारायण त्रिपाठी आतंकवादी थोड़ी है, विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए चल रहा है। तो हम बड़ी सभा नहीं कर सकते, इसलिए कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका भी पालन कर रहे हैं। ये फीका नहीं है, ये जन जागरण अभियान है। हमें तो 10 आदमी मिल जाए तो जागृत करना है। हम इसी मुहिम लगे, पूरा काफिला लेके चल रहे हैं और जन जागरण अभियान चल रहा है। आप किसी की जगह जाके पूछो वाला कि भैया आपका आपके यहाँ जागरण हुआ कि नहीं हुआ, जागरण में क्या हुआ, तो लोग सब बता देंगे कि यहाँ विंध्य के पुनर्निर्माण की बात हुई है। और उनसे पूछिए कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तब वो जवाब देंगे कि बनना चाहिए। ये फीका नहीं है, यह अति उत्साह वाला मामला है। तमाम लोग उत्साहित हैं, तमाम इस काम में लग चुके हैं और जो लोग सोच रहे थे उससे ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज़।